अगर आपको उनमें से कुछ भी आ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो आप पंजाबी में ट्रांसलेट करके कह दो ठीक है क्योंकि हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं <laughs> अभी एक पॉडकास्ट बना चुके हम भारत का नंबर वन पॉडकास्ट है तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कुछ चीजें कहेंगे क्योंकि हरिंदर सर के साथ भी यही चीजें कही है। जितना मैं समझाऊँ इस प्रॉब्लम के बारे में <laughs> जो नेशनली खालिस्तान प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है आई नो की द प्रॉब्लम इज नॉट सिख वर्सेज भारत प्रॉब्लम इज सिक्स वर्सिज गो मैं एक दो बातें कहूंगा इसके बारे में sure, मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे विचार में मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक टाइम था जब इंडिया के बाहर खालिस्तान खालिस्तान का शोर भी था और जज्बात भी था इस टाइम को ख़त्म हुए कई साल हो गए हैं और एज समवन यू you नो know, मैं कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हूँ मैं कम्युनिटी में सेवा भी बहुत करता हूँ you know, लोग भी मेरे पास बहुत आते हैं सो ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत सालों से मैंने कोई ऐसी मूवमेंट की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं किया hmm. लेकिन टाइम टाइम के बाद मीडिया में बहुत शोर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने कोई बैनर you know, दिखाया होता है सो so, इंटेलिजेंट लोगों को अपने आप को ये पूछने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी हो रही है हुटैंड टू गेन फ्रॉम इट आई कैन टेल यू कि द सिख वर्ल्ड डज नॉट स्टैंड टू गेन बाई इट सो ये कौन कर रहा है शोर शराबा क्यों हो रहा है आई डोंट नो मैं इतनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ग्रास रूट्स लेवल पे आई डोंट सी एविडेंस ऑफ एनी थिंग लाइक दैट गोइंग ऑन आई गिव्यू सम एग्जाम्पल्स अब मैंने ना एक आ, मेरी फर्स्ट किताब थी इट वॉज़ अ पोएम बेस्ड ऑन नाइनटीन ऐटी फोर जो मैंने अपनी बेटी के साथ को ऑथर की थी कुल्तार्ज माइम उसका नाम है इट्स अबाउट द सर्वाइवर्स बच्चे जिन्होंने नाइनटीन ऐटी फोर के कांड को दिल्ली में सर्वाइव किया उसकी डेडिकेशन में मैंने एक बीजेपी के उस टाइम के होम मिनिस्टर का कोर्ट डाला हुआ है विच यू कैन फाइंड इन द न्यूज कि वट ये मेरा कोर्ट नहीं है ये राजनाथ सिंह जी का कोर्ट है जो उन्होंने तिलक विहार में जाके 2014 में दिया था सो हियर यू हैव गवर्नमेंट पर्सन बेसिकली एक्नोल कि जो हुआ वो एक किस्म की जेनोसाइड थी अच्छा उसके थोड़ी देर बाद जो कैनेडा uh, के किसी प्रोविंशल पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया बेसिकली सेइंग कि 1984 जो हुआ था दैट वॉज जेनोसाइड। अच्छा जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ इमीडिएटली आफ्टर दैट न्यूज आनी शुरू हो गई कि खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गई है सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के जब भी कोई सिख 1984 के अनरिजोल्व ट्रॉमा के बारे में बात करता है कहीं ना कहीं से रिएक्शन ये आता है अच्छा वो तो खालिस्तानी होगा हाँ ये बिल्कुल सही गल है ये बिल्कुल सही गल है ना जी कि जो भी कोई अपने जस्टिस की गल करते हैं खास करके सिख तो उन्होंने कितना कि खालिस्तान जोड़ के ही देखा जाए दिस इज एप्सल्यूटली रॉन्ग वट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज किसी भी सिचुएशन में विक्टिम और परपट्रेटर का मज़हब कोई भी हो मुसलमान हिंदू हिंदू मुसलमान सिख मुसलमान डजेंट मैटर द परपट्रेटर इज द पर्पट्रेटर द विक्टम इज द विक और अगर विक्टिम आवाज़ उठाता है वो अपना दर्द बयान कर रहा है बजाय इसके कि हम उसके ऊपर कई किस्मों के इल्ज़ाम लगाएं और कई किस्मों के लेबल लगाएं हमें समझने की जरूरत है कि कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है और अगर जख्म है तो जखम को कैसे भरा जा सकता है सो सखम होरेद की गल करके असि कभी भी नहीं कहें इंडिया तो या भारत तो अलग होना चाहते हैं बस ये कह रहे हैं कि ये है कि जब भी कोई इनजस्टिस की बात करता है तो कोई पुराना थका हुआ लेबल ला के ऐसे लगा दिया जाता है hmm. इसके बारे में हमें सावधान होने की बहुत जरूरत है okay. एक अपोलॉजी की जरूरत है ऑन बिहाफ इंडियन गवर्नमेंट देखो अपॉलोजी इज अ वेरी यू नो अपोलॉजी इज़ अ वेरी सुपरफिशियल थिंग पहली बात तो ज़रूरत है एक्नॉलेजमेंट की अगर हम 1984 की बात करें अब गूगल करो किसी वेल इंटेंशन इंसान के साथ बात करो तो ये सिक्खों की ज़बान पे भी कौन सा शब्द आता है रायट रायट क्या होता है दंगा okay. फसाद जब एक ऑर्गेनाइज मैसकर हुआ है जो कि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड जर्नलिस्ट उसको अगर, अगर हम 38 सालों के बाद अभी तक रायट कह रहे हैं तो हम ये अपने आप पर धोखा कर रहे हैं ना मैं आपको एक बात बताता हूँ नाइनटीन ट्वेंटी फोर्टीन में ना हमने मुंबई आके एन सी पी ए प्ले प्रजेंट किया गुल तारज एक सोलह साल की बच्ची आई देखने के लिए ये प्ले और मैं नहीं जानता उसको बाद में उसने एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में मैंने जो उसने लिखा ना मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ लिखती है कि आई वेंट टू एन सी पी ए टू सी अ प्ले वहाँ पर मैंने एक प्ले देखा uh, किरदार सारे अमेरिकन थे प्ले बहुत इमोशनल था मेरे को देख के बहुत ग़ुस्सा आया मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि मुझे तो पता ही नहीं था ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 35 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ that is what we need ਉਸ ਸੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੋਵੀਨ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ

तो इसका सोल्यूशन क्या सिर्फ मीडिया है इसका सोल्यूशन तो यही है कि यू नो मेरा सिख धर्म मुझे ये सिखाता है कि जब किसी और को तकलीफ हो रही हो ना तो अपने आप को तकलीफ जब हो रही है उससे डबल आवाज उठाओ बिल्कुल सो so, इसका सोल्यूशन ये है कि जो 16 साल की बच्ची थी अब तो 9 साल हो गए ना अब वो 25 साल की होगी मे बी देर आर थाउजेंड पीपल लाइक हर अप एंड से कि मेरे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए hmm. किसी के साथ नहीं होना चाहिए I can definitely say हमारी ऑडियंस ये बात मानती वी वॉन्ट अगर okay. आपकी ऑडियंस कहे कि अठत्तीस साल हो गए हैं हमारी राजधानी में तीन दिन कत्ले आम हुआ और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है ये हमारे लिए शर्म की बात है और इसके बारे में कुछ करो फिर कुछ होगा मतलब लीगल एक्शन भी ले जानी चाहिए

प्राइम मिनिस्टर को मार दिया दंगा हो गया सो यू नो जो अगर किसी बात को हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बिल्कुल मिटा दें यह सबसे बड़ा बे है hmm. और इसके लिए मैं लिखता हूँ 84 के बारे में मेरी एक पुरानी किताब है जो आज का हमारा विषय नहीं है तीन साल पहले छपी थी नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स आई वुड इनकरेज यू एंड योर रीडर्स टू रीड दैट उसमें कहानियाँ हैं कि सिक्खों को एटी में क्या हुआ था उसमें यह भी कहानियां हैं कि वो नॉन सिक्स भी थे जिन्होंने अपनी फैमिली अपने अपने रोजगार को जोखिम में डाल के सिखों को बचाया था दीज आर ऑल अंडरस्टैंड एंड रीड क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री बुक्स में दे आर नॉट गोइंग टू कम एनी टाइम्स एवो आई एम एन ऑप्टिमिस्ट सो आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक कि जो नई जनरेशन है वो चेंज लेके आएगी लेकिन समबड़ी हैज़ टू तो मेक दम अवेयर अगर पता ही नहीं होगा तो चेंज कैसे आएगी और जो मेरा एक्सपीरियंस था ना जब हम प्ले लेके आए थे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही था जो आम इंसान है उसकी इंसानियत को कुछ नहीं हुआ बिल्कुल कायम है क्योंकि मैं मैं और मेरी बेटी जब ये प्ले लेके आए इंडिया में तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या कि या इंडिया में तो कोई एटी फोर की बात नहीं करता है और आप प्ले लेके जा रहे हो वहाँ पे जगह जगह जाके करोगे लोग आपको कहेंगे आप लोगों को भड़का रहे हो बट hmm. ये जो सेंटिमेंट आपके लिसनर्स का है मद्रास बेंगलोर कैलकटा अब पंजाब में तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग इमोशनल होंगे पर ये सारी जगह पे जहाँ पे सिख ऑडियंस थी नहीं नॉन सिख ऑडियंस यही जज्बात बार बार हमारे सामने आया और मुझे बहुत ये एक किस्म से दिलासा मिला देख के कि जो आम इंसान है ना पॉलिटिशन को छोड़ दो आम इंसान की जो इंसानियत है वो कहीं नहीं गई वो जिंदा वो कायम है और देखो वी लिव इन अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ल्ड ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है सब जगह पे डिविजन्स बढ़ रही हैं और अल्टीमेटली हमें अगर उम्मीद है किसी से तो वो आम इंसान से ही है क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने बिल्ला कौन सा पहना हुआ है अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम आर सिनिकल बिल्कुल वो फायदा ही उठाएंगे लेकिन जो आम इंसान है जब उसके दिल तक बात पहुंच जाती है फिर कुछ चेंज हो सकता है और शायद लोगों के दिलों तक बात तब पहुंचती है जब वो हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जाने बिल्कुल सही बात दोस्तों टीआरएस की हिंदी को सो so, एसी की जी गलत ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੇਵਰ ਵਾਂਟ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਅਸਾਨ ਉਸਟ ਆਫ ਇਅਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ That's good.